सुप्रभात। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान की वेस्ट एंक्लेव जिले की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार। हमेशा की भांति शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। पैरों को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर या साइड से आसन पर रखें। दोनों पंजों को अधिक से अधिक बाहर की ओर तानेंगे और अधिक से अधिक अपनी ओर खींचेंगे। सामने अपनी ओर बंद आंखों में करते जाएं। जब सामने जाएं तो प्रयास करें पैर के पंजे हमारे आसन के नज़दीक से नज़दीक लगें। पूरी तरह खींचे अपनी ओर। हर स्थिति में थोड़ा रुकना महत्वपूर्ण। यहीं से गोलाकार घुमाएंगे दाएं से बाएं। प्रयास करें छोटी उंगली हमारी आसन के नज़दीक से होके नज़दीक गुजरे और घुटने हमारे पूरी तरह आसन पर लगे रहें। रिवर्स, धीरे से वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, करेंगे कुछ घुटनों के लिए एक्सरसाइज। दाएं पैर को 1 से 2 इंची उठाएं और पंजे को अपनी ओर खींचें और जो पैर नीचे है उसका पंजा सामने की ओर और थोड़ा रुकें। धीरे से वापस। यही क्रिया दूसरे पैर से। बाएं पैर को उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें, जो पैर नीचे है उसका पंजा सामने की ओर। थाई में आई कठोरता को महसूस करें। नित्य प्रतिदिन अभ्यास से घुटनों के दर्द प्राणी से प्राणी दूर होते हो जाते हैं। धीमे से वापस। एक बार और करेंगे, दाएं पैर को उठाएं, पंजा अपनी ओर खींचें, वापस। बाएं पैर को उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें। प्रयास करें हमारी रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। धीरे से वापस। करेंगे इसकी पूर्ण क्रिया। दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाएं और घुटनों के नीचे रखें और दोनों पैरों को उठाएं और पंजों को अपनी ओर खींचें। थोड़ा रुकें। धीरे से वापस। दोनों पैरों में फासला, हल्का सा विश्राम। करेंगे साइकिलिंग। दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों के पास थाई को ग्रिप करें और साइकिल के पैडल की भांति घुमाना प्रारंभ करें। जब पैर सीधा हो तो पूरी तरह पंजे को बाहर की ओर तानें, जो अपनी ओर आए तो पंजे को अपनी ओर खींचें। यही आवृत्तियाँ दोहराते जाएं। प्रयास करें हमारा शरीर पीछे न जाए।
रिवर्स, एक बार पैर पूरी तरह सीधा, एक बार अधिक से अधिक घुटनों से मुड़ा हुआ, धीरे से वापस यही क्रिया करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को मुड़ें, दोनों हाथों से घुटने के पास थाई ग्रिप करें और साइकिल पेडल की भांति चलाना प्रारंभ करें। उंगलियां, टखने, पिंडलियां, घुटने सभी प्रभाव में। करेंगे रिवर्स, जब पैर अपनी ओर आए तो पंजे को अपनी ओर खींचें और जब सामने जाए तो पंजे को सामने की ओर ताने। धीमे से वापस, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों को स्टैंड बनाएं, हल्का सा करें विश्राम। दाएं पैर को मोड़ेंगे, टखने को रखेंगे बाई जंगा पर और दोनों हाथों से पहले घुटने को बारंबार जमीन पर दबाएंगे, दाएं घुटने को, और जो पैर सीधा है उसका पंजा तना रहेगा। अब दोनों हाथों से घुटने को ग्रिप करेंगे और श्वास भरते हुए लगाएंगे पेट पर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर से ऊपर दबाएं अधिक से अधिक। नीचे दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे, बायां हाथ बाएं पंजे के नीचे, दाएं हाथ घुटने के नीचे, बाएं दाएं झूला झुलाएं। प्रयास करें हमारा पैर पैरेलल रहे घुटने से लेकर टखने तक। धीमे से आएंगे वापस, पैर को सीधा करें, यही क्रिया करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें दाई जंगा पर और दोनों हाथों से पहले घुटने को बारंबार नीचे दबाएं। घुटने को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए दबाएं पेट पर अधिक से अधिक। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर दबाएं अधिक से अधिक। आनंद लालिमा को। धीमे से नीचे, दोनों हाथों को स्टैंड बनाएंगे, झूला झुलाएंगे, अधिक से अधिक बाएं, अधिक से अधिक दाएं। प्रयास करें हमारा घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, जब बाहर की ओर जाएं तो बाहर से बाहर। टखनों को उठाने का अवश्य प्रयास करें। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती हुई। धीमे से वापस, दोनों पैर सीधे,
हल्का विश्राम, आंखें बंद, श्वास सामान्य। करेंगे बटरफ्लाई, दोनों तलवों को मिलाएं, दोनों एड़ियों को ले चलें शरीर के नज़दीक से नज़दीक, दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें और बंद आँखों में मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। प्रयास करें घुटने हमारे नीचे जाएं तो नीचे से नीचे, ऊपर जाएं तो ऊपर से ऊपर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। पैरों के जोड़ों की स्टिफनेस कम होती हुई, पद्मासन लगाने में सहायक क्रिया। ये सभी क्रियाएं हम पद्मासन लगाने के लिए करते हैं। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको हल्के से न लें, पूरे मनोयोग से करें। एड़ी को लगातार खींच के रखें, धीरे से आएंगे वापस। एक बार पैर सीधा करें, दोनों हाथों का स्टैंड बनाएं, हल्का बंद आंखों में करें विश्राम। लगाएंगे पद्मासन, दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को लें नाभि के बाईं ओर, बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को नाभि के दाईं ओर, दोनों एड़ियों में कम से कम फासला, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान हमारा आ गया चक्र पर। करते हैं लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास, धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर करें, प्रयास पूर्वक पेट को पिचकाएं, नाभि का संकोचन करें, पेट को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक धीमे धीमे कंठ तक श्वास भरें। यही सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। जब श्वास छोड़ें तो प्रयास पूर्वक नाभि मूल को रीढ़ तक ले जाएं और श्वास भरें तो कंठ तक पूरी तरह फेफड़ों को एक्सपेंड होने दें। पूरी तरह मन शांत होता हुआ मन की लहू लहरियां पूरी तरह शांत होती हुई एकाग्र होती हुई ध्यान हमारा श्वासों पर। यहीं से करेंगे तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि लयबद्ध श्रद्धा युक्त सभी मिलकर साथ देंगे। ओम ध्वनि के लिए भरे लंबी गहरी श्वास,
अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खुलेंगे, पैरों को सीधा करें, हिला डुला कर रक्त का संचार सामान्य करें। और यहीं से अपने आसन पर बिना सहारे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले करते हैं ताड़ासन, बहुत ही साधारण और बहुत ही गुणकारी आसन, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें सर के ऊपर, उंगलियों को फंसा लें आपस में, हथेलियों को ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए हाथों को ले चलें ऊपर से ऊपर, तान दें और एड़ियों को भी उठा दें। भुजाएं कान से लगी रहेंगी, रुकने का मन बनाए। सभी की स्थिति बहुत ही सुंदर। सभी हड्डियों के जोड़, सभी मांसपेशियां पूरी तरह खिंचाव में। आँख खोल के बैलेंस बनाएं। धीमे से आएंगे वापस, हाथ सर पर ही रखेंगे। अभी एक बार और दोहराएंगे इसी को, श्वास भरते हुए कोहनियों करते सीधा, तान दें शरीर को ऊपर से ऊपर, एड़ियां भी उठा दें। ताड़ वृक्ष की तरह हमारा शरीर बिल्कुल सीधा, ताड़ वृक्ष जो हमेशा ऊपर की ओर सीधा चलता है उसकी तरह बनाए शरीर को। धीमे से आएंगे, हाथ पहले सर पे रखेंगे फिर सामने से तानते हुए वापस, दोनों पैरों में हल्का सा फासला, आंखें बंद, विश्राम। करेंगे अर्ध चक्र आसन, दोनों हाथों को लें कमर पर, 3 से 4 इंची दोनों पैरों में फासला, जैसे मुष्टासन करते हैं उस प्रकार करेंगे। चारों उंगलियां नाभि की ओर और दोनों अंगूठे हमारे रीढ़ के निचले छोर पर। पहले गर्दन को पीछे ले जाएं और श्वास भरते हुए कमर से पिछले भाग को धीमे धीमे आगे पीछे झुकें। प्रयास करें पंजों से लेकर कमर तक का भाग बिल्कुल सीधा।
रीढ़ के सभी दोष दूर होते हुए फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती हुई धीमे से आएंगे वापस। हाथ नीचे, हल्का विश्राम करेंगे जी। कटी चक्रासन, दोनों पैरों में कंधों के समान फासला, दोनों पंजे एक दूसरे के समानांतर, दोनों हाथ कंधे के समानांतर, हथेली आमने सामने, खींचे हाथों को पहले दिख से देख, और अब श्वास भरते हुए धड़ सहित शरीर को ले जाएं राइट साइड, बायां हथेली दाएं कंधे के ऊपर, प्रयास करें कोहनी हमारी कंधे के समानांतर रहे, अधिक से अधिक झुकाएं, अधिक से अधिक मोड़ें शरीर को। धीमे से आए मध्य में, एक बार हाथों खींचे अपना और बाईं ओर, बाएं अंगूठे को देखें, मध्य में। अब इसी क्रिया को थोड़ा तेजी से करेंगे, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, सामने। हाथों को तानते हुए धीमे से लेके आएंगे नीचे, बंदाहों में विश्राम, आंखें बंद, पांच बार करेंगे ये उठक बैठक, जो पैर मिला के कर सके पैर मिला के करें। हाथ सामने, एक वापस, दो वापस, तीन वापस, चार वापस, पांच वापस। हाथ नीचे, सूर्य नमस्कार के लिए हमारा शरीर तैयार। मैं प्रार्थना करूंगा प्रज्ञा से, वो हम सबको सूर्य नमस्कार कराएं। प्रज्ञा, सब लोग अपने आसन के आगे वाले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ आएंगे पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ले जाए आकाश की ओर, ताने भुजाओं को ऊपर से ऊपर, पांचों उंगलियां मिली हुई, कंधे गर्दन का दबाव बनाएंगे पीछे की ओर, कमर से भी हल्का सा झुकेंगे पीछे, श्वास भरे, ताने शरीर को ऊपर से ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकना प्रारंभ करें। भुजाएं कान से अलग ना हो, प्रयास करें उंगलियां हमारी आसन से टच हो जाएं। जिन साधकों की टच हो गई है वे आधी हथेली लगाने का प्रयास करें।
पेट को पिचकाएं अंदर की ओर और थोड़ा सा और झुकने का मन बनाएं। माथे को ले आएं अपने घुटनों के नज़दीक से नज़दीक। हाथों को जमा दे आसन की ओर आसन पर और ले जाए अपना दाहिना पांव पीछे से पीछे। 15 उंगलियां एक लाइन में। पीछे वाला घुटना आसन से ना लगे। कमर थोड़ी नीचे, माथे का रुख आकाश की ओर। हमारा लीवर खिंचता हुआ, पैनक्रियाज दबती हुई। पूरी हथेली लगाएंगे आसन पर और अब ले जाएं अपना दूसरा पांव भी पीछे और आ जाएं पर्वताकार स्थिति में। ठुड्डी को लगा दे कंठकूप में। पर्वत की तरह हमारा शरीर मजबूत बनता हुआ। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हुई। पीछे से एड़ियां भी लगा दे आसन पर। बहुत अच्छे। आ जाएं पैरेलल। पूरा शरीर हमारा फट्टे की तरह सीधा। क्रम से लगाएंगे घुटने। नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ के गुण हमारे अंदर समाते हुए। कोनी का रुख आकाश की ओर। सहनशीलता का भाव आता हुआ। सूर्य नमस्कार में विश्राम की स्थिति। अब आगे से ठुड्डी उठा दें, कंधे भी उठा दें और अब कोनियों को भी कर देंगे सीधा। ध्यान रहे पीछे से एड़ी पंजे मिले आकर रखें। रीढ़ की प्रत्येक गोटी प्रभाव में आती हुई। पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता हुआ। हमारे सर का पिछला भाग अपने आप ही रीढ़ पर लग जाए। पांचों उंगलियां मिलाकर रखें। अब बिना घुटनों का सहारा लिए बीच से भी अपने शरीर को उठा दें। पुनः पर्वताकार स्थिति। यहाँ से स्थितियाँ रिपीट होती हुई। ठुड्डी कंठकूप में, एड़ियाँ आसन पर। ले आए अपना दाहिना पाँव दोनों हाथों के बीच। प्रयास करें एक बार में आ जाए। पीछे वाला घुटना आसन से थोड़ा ऊपर। अब की बार पैनक्रियास खिंचती हुई, लिवर दबता हुआ। पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में। ले आए दूसरा पांव भी आगे। पेट पिचकाएं, थोड़ा और झुकने का प्रयास करें। भुजाओं को लगा दे कान से और धीरे धीरे कमर से आ जाएंगे वापस ऊपर। श्वास भरे, ताने पूरे शरीर को ऊपर से ऊपर। कमर से दबाव बनाए पीछे की ओर। घुटनों में खम ना आए। आएंगे नमस्कार मुद्रा में। मन ही मन करेंगे ईश्वर का धन्यवाद। हाथ नीचे, बंद आंखों में ही अपने आसन पर लेट जाएं और शवासन में करें विश्राम। करेंगे मानसिक अवलोकन। ढीला छोड़ दे अपने शरीर को।
सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण आसन। महसूस करें कहाँ कहाँ हमारे शरीर पर प्रभाव आया। प्रयास करें हिलडुल कम से कम हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा, बड़े अच्छे से सूर्य नमस्कार कराया आपने। आएंगे चेतन अवस्था में, इड़ी पंजे मिलाएं और दाईं ओर करवट लेते हुए उठ बैठेंगे। करेंगे जानु सिरासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने। पंजों को तानने का बहुत महत्व है जी। पंजों को जब हम तानते हैं तो हमारे पैरों की नसें हमें खींचती हैं और हमें सपोर्ट करने लगती हैं। जब भी एड़ी पंजे मिलाएं पंजों को स्वतः ही ताने। अब दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को लगाएं बाईं जंगामूल पर, दोनों हाथ घुटने पर, बाएं घुटने पर, दोनों हाथ को पहले लाएं कंधे के समानांतर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर से ऊपर, ताने भुजाएं कान से लगी रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे आगे झुकें। प्रयास करें दो हाथों को बाएं पंजे से आगे ले जाएं। जिनके हाथ बाएं पंजे से आगे निकल जाएं वो पंजे को ग्रिप करें और माथे को ले चलें घुटने के नज़दीक से नज़दीक। दोनों घुटने हमारे आसन से लगे रहें। पूर्ण स्थिति में हमारा माथा घुटने से लग जाता है, कोहनियाँ आसन से लग जाती हैं। पूर्ण स्थिति मोना जी की बिल्कुल पूर्ण स्थिति है, कोहनियाँ आसन से लगी हुई हैं, माथा पूरी तरह घुटने पर, साटिका नाड़ी पूरी तरह प्रभाव में। श्वास भरते हुए जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को पुनः खींचें ऊपर से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए साइड से धीरे धीरे वापस। पैर को सीधा करें, हल्का करें विश्राम। यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से। बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को लें बाईं जंगामूल पर, दोनों हाथ पहले घुटने पर रखें, सामने ताने और श्वास भरते हुए हाथों को ले चलें आसमान की ओर, खींचें ऊपर से ऊपर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाए, भुजाएं कान से लगी रहें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीमे धीमे आगे झुकें। नाभि का प्रयास पूर्वक संकुचन करें,
झुकने में सहायता मिलेगी। पेट के आंतरिक अंग पूरी तरह प्रभाव में, मोटापे को नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक क्रिया। श्वास भरते हुए धीमे धीमे आएंगे ऊपर, हाथों को अपने ताने और श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे, पैर सीधे, बंद आंखों में विश्राम। दोनों पैरों में कंधों से सीधी फासला बनाएं, दोनों हाथों को पीछे स्टैंड बनाएं और करें विश्राम। एक और आसन करेंगे जी, कौन आसन बैठने वाला, कौन आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथ कमर के पीछे। अब श्वास भरते हुए शरीर के बीच के भाग को धीमे धीमे उठाना प्रारंभ करें। पूर्ण स्थिति में हमारे पैरों के पंजे आसन पर लग जाते हैं। इस आसन में थोड़ी शक्ति अधिक लगती है, इसलिए रुकने का मन बनाएं, थोड़ा प्रयास अवश्य करें। बहुत ही सुंदर आसन, हमारी पिंडलियां, कंधे, कलाइयां सभी प्रभाव में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए और दोनों पैरों को बाईं ओर से घुमाते हुए आएंगे वज्रासन में। आगे से दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, पिंडलियां पूरी तरह दबती हुई, करेंगे जी मंडूकासन भाग दो। बाई हथेली कब बनाए, बाई हथेली को रखें नाभि पर, दाया हाथ बाएं हाथ के ऊपर, श्वास भरें, लंबाई दें एक बार शरीर को और श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से धीमे धीमे आगे झुकें। प्रयास करें हमारी ठुड्डी ये नासिका आसन पर लगे। जिनको सर्वाइकल है वो ठुड्डी आसन पर लगाएं। सामान्य श्वास में रुकें। डायबिटीज के लिए बहुत ही रामबाण आसन, पेट की गतिविधियों को महसूस करें। पेट के आंतरिक अंग पूरी तरह प्रभाव में, श्वास भरते हुए कमर को करेंगे सीधा,
यहीं से आ जाएंगे जी, पेट के बल शिथिलासन दाई ओर, दाई अंग सीधे, बाएं अंग 90 डिग्री पर मुड़े हुए, बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर के घुटने को टच करती हुई, भुजबली बिल्कुल सीधी, कंधे से लेके कोहनी तक भाग बिल्कुल सीधा, हाथ थोड़ा दूर, दोनों कंधे, दोनों फेफड़े, दोनों घुटने पूरी तरह आसन पर, पूरी तरह हमारा शरीर शिथिल, अपने आप में पूर्ण आसन, शिथिल आसन। करेंगे जी भुजंगासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को लिटा दें, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, सर नीचे, सर आसन पर, सबसे पहले ठुड्डी को लगाएं आसन पर, थोड़ा सा उठाएंगे गर्दन को, पहले गर्दन पीछे से पीछे, माथा आसमान की ओर करें, और अब श्वास भरते हुए नाभि तक के भाग को धीमे धीमे उठाना प्रारंभ करें। हमारी कोहनी 1 से 2 इंची उठ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हथेलियों पर नाम मात्र का वजन, पूरे वजन को पेड़ ऊपर आने दें। बहुत ही सुंदर आसन, कमर दर्द के लिए, रीढ़ लचीली बनाने के लिए, सर्वाइकल की सभी गोटियां पूरी तरह प्रभाव में। रुकें, रुकने का मन अवश्य बनाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिलासन बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए, बायां कान आसन पर, पूरी तरह शिथिल आसन का आनंद उठाएं, श्वास सामान्य करें। लो बीपी को सामान्य रखने में बहुत ही सुंदर आसन शिथिल आसन बाईं ओर। एड़ी पंजे मिलाएं और दाईं ओर करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल,
करेंगे जी पवन मुक्त आसन। मन बनाए पवन मुक्त आसन करने का। एड़ी पंजे मिलाएं, पहले दाएं पैर को मोड़ें घुटने से और घुटने को दोनों हाथों से ग्रिप करें। श्वास भरें अधिक से अधिक और भरे हुए श्वास में घुटने से दबाएं पेट को और श्वास छोड़ते हुए धड़ को भी लेके आएं और नासिका को या ठुड्डी को लगाएं अपने घुटने से और जो पैर सीधा है उसके पंजे को सामने की ओर तान के रखें। बहुत अच्छी सिमरन की स्थिति, पूरी तरह नासिका घुटने से लगती हुई। श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर को करेंगे सीधा, हल्का विश्राम। यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से, बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें घुटने को, श्वास भरें और भरे हुए श्वास में पूरी तरह दबाएं घुटने से थाई से पेड़ को। और अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को भी लेके आए आगे से आगे, पुनः लगाएं नासिका को बाएं घुटने से सभी की। बहुत अच्छी स्थिति, श्वास छोड़ते हुए पैर वापस, श्वास भरते हुए धड़ वापस। श्वास सामान्य करें, करेंगे इसकी पूर्ण स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटनों को से एक साथ पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप करें, श्वास भरें और श्वास भरते हुए दबाएं अधिक से अधिक और श्वास छोड़ते हुए ले जाएं नासिका को। जिनको कोई सर्वाकल की समस्या है वो ठुड्डी को लगाएं, अन्यथा नासिका को लगाएं। छोटी सी गठरी बना दें नस नाड़ियों में, मांसपेशियों में जमा अतिरिक्त वायु स्वतः ही निकलती हुई। श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा, करेंगे विश्राम। एक क्रिया करेंगे जी मरकट आसन की, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को मोड़ें, एड़ी नितंबों के नज़दीक से नज़दीक, दोनों हाथ हमारे बाएं दाएं 180 डिग्री पर, श्वास भरें और दोनों घुटनों को ले जाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, बायां घुटने से दाएं घुटने को दबाएं, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठी के ऊपर अंगूठा, धीरे से लेके आए मध्य में,
स्थिति चेक करें, ईड़ी को प्रयास पूर्वक लेके आए शरीर के नज़दीक से नज़दीक, हाथ दोनों खींचे हुए और श्वास भरते हुए दोनों घुटने जाएंगे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। दाएं घुटने से बाएं घुटने को दबाएं अधिक से अधिक। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई, कमर दर्द में बहुत ही सुंदर आसन। धीमे से आएंगे मध्य में, इसी क्रिया को दो बार दोहराएंगे, अपने आप से दोहराएंगे। धीरे से आएंगे वापस, पैर करेंगे सीधा, विश्राम। हाथों को ले लेंगे आगे, करेंगे जी आज का अंतिम आसन सेतु बंदासन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटनों से पैरों को दोनों को मोड़ें एक साथ, दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए बीच से धड़का उठाना प्रारंभ करें। सिमरन करके दिखा रही हैं चक्रासन, जो चक्रासन कर सकें वो चक्रासन करें, वरना सेतुबंध आसन करें। सेतुबंध में छाती को उठाने का अधिक से अधिक प्रयास करें ताकि हमारी ठुड्डी सतही कंठकूप में आ जाए। मोनाजी का देखने लायक चक्रासन, पल्लवी जी भी चक्रासन करके दिखा रही हैं, बहुत ही सुंदर आसन। बहुत सुंदर स्थिति, धीरे धीरे आएंगे वापस। करेंगे सब आसन में विश्राम, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे बाएं दाएं लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियों का रुख आसन की आसमान की ओर, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। एक बार प्रयास करें, पैरों की छोटी उंगलियां हमारे आसन पर लग जाएं और करें शरीर को ढीला। किए गए आसनों का मानसिक अवलोकन करें, श्वास भरें तो पंजों से लेकर सर तक ध्यान को लेके जाएं और जब श्वास छोड़ें तो सर से लेकर पंजों तक मानसिक अवलोकन करें।
आएंगे चेतन अवस्था में, शुभ संकल्प लें, भारतीय योग संस्थान की क्लास में हम प्रतिदिन आएंगे और एक साधक को जोड़ने का प्रतिदिन प्रयास करेंगे। दाईं ओर करवट लें और सहजता से उठ बैठें। करेंगे जी महान क्रिया हंसी, सभी हंसने का मन बनाएं और मस्ती भरी मधुर हंसी प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति शांत, आंखें बंद, इस हंसी का मानसिक अवलोकन करें, मुस्कुराते हुए चेहरे को निहारें, अपने अंदर सजोएं, प्रभु से प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और सभी को हंसाते रहें। अब मैं प्रार्थना करूंगा मोना जी से, आगे की कक्षा मोना जी लें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन, अपनी सुविधा के अनुसार बैठें। कमर और रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। बहुत ही सुंदर सुंदर आसनों का अभ्यास करवाया गया। अब हम करेंगे प्राणायाम। अपनी आती जाती श्वासों को देखें, करेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। देखते जाएं आते जाते श्वासों को। ध्यान के लिए पहली सीढ़ी, लंबे गहरे श्वास। धीरे धीरे वापस आए। करेंगे कपाल भारती का अभ्यास। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, कमर और रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें आपकी बंद रहेंगी। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालें। अब धीरे धीरे श्वास भरें। जब कंठ तक श्वास भर जाए तो एक ही झटके में पूरा श्वास बाहर करें।
दोहराते जाएं सुंदर आवृत्तियों को। दो आवृत्तियों के बीच में थोड़ा अंतर रखें ताकि श्वास पूरी तरह से भर जाए और जब आप पूरा श्वास बाहर फेंकें तो प्रयास करें नाभि को अंदर सिकोड़ने का। आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनता हुआ मोटापा कम होता हुआ कपाल पर चमक आती हुई अपनी रीढ़ को प्रयास पूर्वक सीधी रखें। पूरा श्वास बाहर निकाल दें और अपने आप को सामान्य कर लें। बंद आंखों में अनुभूति करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास अपने दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर और रीढ़ सीधी, आंखें बंद रहेंगी। अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर। अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। और अंगूठा हटाते हुए श्वास छोड़ें। करते जाएं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अपनी श्वासों को डायरेक्शन दें। बहुत ही सरल प्राणायाम, सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए दोहराते जाएं आवृत्तियों को। जब भी श्वास भरें महसूस करें शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती हुई और जब भी श्वास छोड़ें तो महसूस करें नेगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर होती हुई।
आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया बनता हुआ, अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए बाईं ओर से श्वास को बाहर करते हुए वापस बंद आंखों में अनुभूति मानसिक अवलोकन करें। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आपकी दो उंगलियां आंखों पर, दो होंठों पर, अंगूठे कानों पर, मधुर गुंजन 5 आवृत्तियां करेंगे। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापस सोने से पहले अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो नींद अच्छी आती है। आपके माइंड के जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। करेंगे शांति पाठ। उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि। अभी थोड़ा समय है तो भगवान का ध्यान कर लेते हैं। करेंगे ओम की ध्वनि का अभ्यास। श्वास भरें।
निशान। बंद आंखों में ओम की ध्वनि को महसूस करें, मधुर गुंजन अपने अंतर में महसूस करें। पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि का गुंजन। करेंगे शांति पाठ। एक लंबी ओम ध्वनि, लंबा गहरा श्वास। ओ कुछ पल इसी अवस्था में बैठें। जिनके पास समय हो वो थोड़ी देर और बैठें, बाकी साधक और साधिकाएं दोनों हाथों का घर्षण करें, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करें और अपने मुखमंडल पर और पूरे शरीर पर धारण करें। सभी का धन्यवाद। सिमरन का विशेष धन्यवाद। प्रतिदिन कक्षा में आने का संकल्प करें। आइए इसी शुभ संकल्प के साथ कक्षा को विराम देते हैं। धन्यवाद।